हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ द लेंसेज को। इससे पहले हम सीख चुके हैं कि किस तरह से कन्वेक्स लेंस के अंदर इमेज फॉर्मेशन होती है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाएगा तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज के साइज और ऑब्जेक्ट के साइज में जो रेशियो है वो भी हम सीख चुके हैं। तो अभी हम इसकी एप्लीकेशन में जाएंगे। सबसे पहली जो हमारे पास एप्लीकेशन आती है वो है कैमरा। कैमरा क्या है जी? कैमरा हमारे पास, ये सामने एक पिक्चर बनी हुई है। कैमरा एक लाइट प्रूफ बॉक्स होता है। लाइट प्रूफ बॉक्स का मतलब जिसके अंदर कहीं से लाइट इंटर नहीं हो सकती। इसके अलावा ये एक कन्वेक्स लेंस पर मुश्तमिल होता है, जिसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, और एक फोटोग्राफिक फिल्म पर मुश्तमिल होता है। ये फोटोग्राफिक फिल्म लाइट सेंसिटिव फिल्म होती है। जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये उसका इमेज बना लेती है स्क्रीन के ऊपर। इसको आपने अक्सर देखा होगा, जो पुराने कैमरे होते हैं उसके अंदर रील होती थी। रील, उस रील में से आप इस तरह से पट्टी सी खींचे, ब्लैक कलर की पट्टी आपको नजर आएगी। वो ब्लैक कलर की जो पट्टी थी बेसिकली वो फिल्म है, जिसको हम फोटोग्राफिक फिल्म कहते हैं, जिसके ऊपर इमेज बनता है। ये लाइट सेंसिटिव होती है। ओके, तो इमेज किस तरह से कैमरे के अंदर बनता है, ऑब्जेक्ट को कहां रखना चाहिए कहां नहीं रखना चाहिए, उन सब डिटेल को समझने से पहले एक छोटा सा पॉइंट है जो हम रिवाइज कर लेते हैं इमेज के हवाले से। इमेज फॉर्मेशन इन द लेंस, जब आपने सीखा था इमेज फॉर्मेशन इन द लेंस तो आपको याद होगा, जब आप ऑब्जेक्ट को 2f से ग्रेटर डिस्टेंस पर रखते हैं, f होता है फोकल लेंथ, यानी यहां से ये पॉइंट फोकस है तो ये लेंथ फोकल लेंथ है, और ये उसका डबल यानी 2f से भी बाहर अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका जो इमेज होगा वो स्मॉलर इन साइज होगा। देखें, ये एक बड़ा ऑब्जेक्ट था, ये इससे थोड़ा सा स्मॉलर इन साइज है, ऑब्जेक्ट स्मॉलर इन साइज होगा। इसके अलावा अगर आप गौर करें थोड़ा सा तो ये इन्वर्टेड भी है, यानी ऑब्जेक्ट इस तरह से था तो इमेज इस तरह से है, स्मॉलर इन साइज होता है और इन्वर्टेड होता है। तो क्योंकि हमने एक बड़े से ऑब्जेक्ट का छोटी सी स्क्रीन के ऊपर इमेज लेना है, जैसे हमारे पास इतना साइज होता है पिक्चर का जिसके ऊपर हमने प्रिंट करना होता है उसको, पेपर का जिसके अंदर हमने प्रिंट करना होता है उसको, तो ये हमारे पास कैमरा है। कैमरे के सामने हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को 2f से ज्यादा डिस्टेंस पर रखना है। तो 2f से ज्यादा डिस्टेंस पर जब हम एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो क्या होगा, जैसे ही हमने बटन को क्लिक किया, बटन को क्लिक करने से क्या होगा, ये आगे से ये ओपन हो जाएगा, इसमें लाइट इंटर होगी। ठीक है, जब लाइट इंटर होगी तो यहां से एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, जो फोकस से गुजरने के बाद यहां आएगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से पास करती हुई यहां पर आएगी, जहां पर ये दोनों क्रॉस करेगी वहां इमेज बनेगा। और हमने इस फिल्म को इस तरह से अरेंज किया होता है कि इसका इमेज सही से उस स्क्रीन के ऊपर इमेज होता है, उसके ऊपर फोकस होता है, यानी ये जो पट्टी चल रही है ब्लैक कलर की इसकी बैक साइड पर, इसको इस तरह से अरेंज किया हुआ है कि जो इमेज है इस ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट इसके ऊपर बने। तो 2f पे जो 2f से ग्रेटर डिस्टेंस पर जो हमने ऑब्जेक्ट को रखा था उसने क्या किया, इसका स्मॉलर जो इमेज है वो यहां पर प्रोड्यूस किया, स्मॉलर इमेज इसके सामने आएगा और इस स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से जो एक कैमरा है उसके अंदर हम इमेज आसानी से बना सकते हैं जब हम ऑब्जेक्ट को 2f से ग्रेटर डिस्टेंस पर रखेंगे। सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ लेंजेस इज अ स्लाइड प्रोजेक्टर। स्लाइड प्रोजेक्टर क्या होता है? स्लाइड प्रोजेक्टर is a device which is used to view the photographic slides. छोटी सी एक photographic slide को बड़ा करके screen के ऊपर display कराना, ये काम है projector का। कैसी screen होती है ये? आप यूं समझ लें कि कोई भी एक transparent glass की बनी हुई या transparent plastic sheet जैसे x-ray की बनी हुई sheet होती है, ऐसी sheet के ऊपर आपने कोई ना कोई image draw किया होता है या image को print किया होता है। अब वो छोटी सी sheet है, आपने उसको बड़ा करके स्क्रीन के ऊपर दिखाना है, जैसे बोर्ड के साइज के अकॉर्डिंगली, ये जैसी आपकी स्क्रीन है उसके साइज के अकॉर्डिंग। तो क्या किया जाता है, फिर हम इस प्रोजेक्टर को यूज करते हैं जिसमें हम इस फिल्म को यूज करते हैं और वो उसका एक लार्ज इमेज प्रोड्यूस करके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देता है। अब इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसकी जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, जो इसकी कंस्ट्रक्शन है, उसको डिस्कस करते हैं, ये किन किन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास ये जो आपको नजर आ रहा है, ये एक कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर, लाइट सोर्स, और ये प्लेनो कन्वेक्स लेंसेज हैं, उनका पेयर ऑफ प्लेनो कन्वेक्स लेंस, इनको हम कंडेंसर लेंसेज कहते हैं क्योंकि ये लाइट को कंडेंस करते हैं, ऐसे इकट्ठा करते हैं। ये हमारे पास वो स्लाइड है जिस स्लाइड को हमने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराना है।
और उसके बाद ये चीज जो आपको नजर आ रही है ये है हमारे पास कन्वेक्स लेंस, ये है हमारी स्क्रीन, ये आगे सारे टोटल पार्ट्स। अब आपने क्या करना है, जो कन्वेक्स लेंस का पर्पस क्या है, क्यों हम कन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं, कि ये जो यहां पर लाइट सोर्स है वो तमाम डायरेक्शन में लाइट को सेंड कर रहा है, तो ये हमने पीछे इसके एक मिरर रखा क्योंकि मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो यहां से लाइट आगे रिफ्लेक्ट होकर इसी डायरेक्शन में जाए, यहां पर हमने रखा हुआ मिरर ताकि लाइट इधर से रिफ्लेक्ट होकर वापस इस डायरेक्शन में जाए। ये जो लाइट सोर्स है ये हमने इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी रखना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि ये जो मिरर है ये जिस स्फीयर का हिस्सा है उस स्फीयर के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं और उस पॉइंट के ऊपर हमने लाइट सोर्स को रखा। अब यहां से पैरेलल रेज ऑफ लाइट इससे गुजरती है, स्ट्रेट मूव करती है। क्यों हमने इनको यूज किया, ताकि ये जो स्क्रीन है इसके ऊपर लिखा हुआ एक एक वर्ड या एक एक ऑब्जेक्ट जो हमने इस पे ड्रॉ किया है उस तक बिल्कुल इक्वल एक जैसी लाइट पहुंचे, ताकि जो स्क्रीन के ऊपर इमेज बने वो बिल्कुल बेहतरीन क्लियर इमेज बने, ऐसा ना हो कि कहीं पर लाइट पड़ रही हो कहीं पर लाइट ना पड़ रही हो। इसी पर्पज के लिए हमने कंडेंसर लेंसेज को भी यूज किया कि जाके लाइट इसके एक एक पार्ट से फ्लो करती हुई आगे जाए। तो ये सारा अपरेटस बेसिकली हमने किसके लिए किया है, ये लाइट सोर्स, ये मिरर, ये कंडेंसर लेंसेज, ताकि अच्छे तरीके से लाइट को इस स्लाइड के ऊपर फोकस किया जाए। जब लाइट अच्छे तरीके से इससे पास करेगी तो फिर इसका इमेज बनेगा स्क्रीन के ऊपर। इमेज कैसे बनता है आपको पहले ये बता दें कि हम ये पढ़ चुके हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट एफ और टू एफ के दरमियान रखा जाएगा तो फिर उसका इमेज लार्ज बनता है। इसके अलावा एक और हमारे पास ऑप्शन होता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को एफ यानी फोकल लेंथ से पहले रखेंगे फिर भी उसका लार्ज इमेज बनता और काफी बड़ा साइज में होता है, वो हम क्यों नहीं कर रहे, हमने क्यों यहां पर एफ और टू एफ के दरमियान में स्लाइड को रखा है, उसकी रीजन क्या है। देखिए, आपने इमेज को स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना है, अगर आप इस स्लाइड को एफ से पहले रखते तो फिर क्या होता, फिर इमेज को स्लाइड के या स्क्रीन के ऊपर आप डिस्प्ले नहीं करा सकते थे, वो इमेज आपको बड़ा तो नजर आता लेकिन वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं हो सकता था। तो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराने के लिए हमने ये काम किया, क्योंकि स्क्रीन पे क्यों डिस्प्ले नहीं होता, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को यहां पर रखते इधर तो फिर इसका इमेज कैसा बनता है, इसका इमेज बनता है यहां पर इस तरफ, तो स्क्रीन तो हमारी इस तरफ पड़ी है, स्क्रीन के ऊपर हम किस तरह से इमेज दिखाते। तो पर्पज हमारा ये था इसको स्लाइड को एफ और टू एफ के दरमियान रखने का, ताकि एक तो इमेज लार्ज बने, रियल इमेज हो और उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया जा सके। तो ऐसा सब कुछ होने के लिए जरूरी था कि हम इस स्लाइड को एफ और टू एफ के दरमियान में रखें। जब हम इसको एफ और टू एफ के दरमियान रखते हैं तो क्योंकि लाइट इसके ऊपर आ रही है या अब ये इलुस्ट्रेट हो चुका है, तो अब इस पे इमेज बनाना है। इमेज बनाने के लिए हम सीख चुके हैं कि एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चलती है, जो के इस लेंस से बेंड होने के बाद फोकस पॉइंट से गुजरती है, और जो रे जो उस पॉइंट से निकलेगी ऑप्टिकल सेंटर तक पहुंचेगी वो स्ट्रेट पास करेगी, वो बेंड नहीं होती। तो ये हमारे पास एक स्लाइड है जो कि इलुस्ट्रेट हो चुकी है, अब इसका इमेज बनेगा। इमेज बनाने के लिए एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेके चलेंगे, ये लेंस है, यहां पर लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो इसके पैरेलल गई और यहां से इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद इस फोकस से गुजरेगी। तो देखिए, ये पैरेलल गई लेंस से गुजरी और ये इस तरफ चलेगी, फिर एक रे इसी पॉइंट से चलेगी जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास करती हुई इस पॉइंट पे आके मिलेगी तो यहां पर इमेज बनाएंगे स्क्रीन के ऊपर। इसी तरह जो इसका लोअर पार्ट है यहां से भी एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मैं ड्रा कर देता हूं प्रिंसिपल एक्सिस को ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। ये रहा कि हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ये रे पैरेलल गई जो कि इस लेंस से गुजरने के बाद फोकस से पास करेगी, तो ये देखिए फोकस से पास कर गई और यहां पर पहुंची। दूसरी रे उसी पॉइंट से आएगी जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, यहां ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हुए ये इस पॉइंट पर आगे पहुंची, जहां पर वो दोनों मिलती हैं वहां इमेज बनेगा। तो यहां हमारे पास स्क्रीन के ऊपर एक क्लियर इमेज इसका नजर आ जाता है। अब जैसा कि हमने ये सीखा हुआ है कि जब ऑब्जेक्ट को एफ और टू एफ के दरमियान रखते हैं तो इमेज बड़ा तो होता है लेकिन वो इन्वर्टेड होता है, यानी आपको उल्टा इमेज मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या करना है, जब इसके अंदर स्लाइड सेट करेंगे तो हम स्लाइड को इन्वर्टेड रखेंगे यानी उल्टा रखेंगे, हमने डिस्प्ले इस तरह इमेज कराना है तो हम स्लाइड को इस तरह रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये इमेज उसका इन्वर्टेड बनाती है।
इसलिए यहां पर हमने स्लाइड को उल्टा रखा तो यहां पर हमें उसका सीधा इमेज मिलेगा। अगर आप स्लाइड को सीधा रखते हैं तो फिर इमेज आपको उल्टा मिलेगा। अब दोबारा से एक बार इसको रिवाइज करते हैं। बेसिकली क्या है करना है, हमने कनकेव मिरर यूज किया और कनकेव मिरर के जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके ऊपर हमने लाइट सोर्स को रखा। लाइट सोर्स जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर लाइट सेंड कर रहा है। यहां से मिरर रखने का पर्पज यह था कि यहां से रेज ऑफ लाइट को पैरेलली इधर सेंड करे। आगे हमारे पास ये कंडेंसर लेंसेज लगे हैं जो लाइट को कंडेंस करके इसके ऊपर सही से फोकस करते हैं। जब लाइट इसके ऊपर सही से फोकस होगी तो अब ये इमेज बनाएगा स्क्रीन के ऊपर। इमेज बनाने के लिए स्लाइड को कहां होना चाहिए, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। आपकी जो स्लाइड है वो इस लेंस के एफ और 2F के दरमियान होनी चाहिए, यानी फोकल लेंथ से ज्यादा डिस्टेंस पर और डबल ऑफ द फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पर होनी चाहिए। तो ऐसा करने से क्या होगा, अब आपका इमेज एक लार्ज प्रोड्यूस होगा क्योंकि हम सीख चुके हैं कि एफ और 2F के दरमियान ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज लार्ज मिलेगा, रियल इमेज मिलेगा और उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले भी कर सकेंगे हम। इसलिए एक रे आप इमेज बनाने के लिए क्या करते हैं, एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो फोकस से गुजरेगी इधर स्क्रीन पर आई, दूसरी रे इसी पॉइंट से ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी वो भी यहां पर इसको कट करती है, मीट करती है तो यहां पर इमेज बनेगा स्क्रीन के ऊपर। इसी तरह जो इसका लोअर पोर्शन है इस ऑप्टिकल सेंटर से नीचे वाला पोर्शन, यहां से भी एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चलेगी जो इस फोकस से पास करती हुई इस पॉइंट पर पहुंचेगी। उसके बाद क्या होगा, इसी पॉइंट से आपने एक ऑप्टिकल सेंटर से रे पास करनी है, वो ऑप्टिकल सेंटर वाली रे यहां पर आके मिलेगी और इस पॉइंट के ऊपर तो इमेज बनेगा। इस तरह से जो है आपको एक लार्ज इमेज मिलेगा। आप देख सकते हैं ये छोटा सा ए था, यहां पर आपको काफी बड़े साइज के अंदर ए नजर आ रहा है, तो एक लार्ज इमेज प्रोड्यूस करती है लेकिन ये इमेज इन्वर्टेड होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इस स्लाइड को हम उल्टा रखते हैं ताकि हमें यहां पर जो इमेज मिलेगा वो इमेज हमें सीधा मिले। अब हम बात करते हैं इसकी थर्ड एप्लीकेशन, वो है फोटोग्राफ इनलार्जर। फोटोग्राफ इनलार्जर क्या है, फोटोग्राफ इनलार्जर इज बेसिकली अ स्पेशलाइज्ड ट्रांसपेरेंसी प्रोजेक्टर व्हिच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द फोटोग्राफिक प्रिंट्स फ्रॉम द फिल्म। पुराने जमाने में जो एक कैमरे इस्तेमाल होते थे उनमें रील इस्तेमाल होती थी, वो रील एक रोल सा होता था, उसमें से ब्लैक कलर की पट्टी निकलती थी जिसको हम फिल्म कहते हैं। वो फिल्म जो है वो बहुत स्मॉल साइज के इमेजेस उसके ऊपर बने होते थे। उस स्मॉल साइज के इमेज को बड़ा करके दिखाने के लिए या उससे प्रिंट लेने के लिए हम इन फोटो इनलार्जर को इस्तेमाल करते हैं। तो फोटो इनलार्जर एक ऐसी डिवाइस है जो कि स्मॉल ऑब्जेक्ट को बहुत बड़ा करके दिखाती है। तो वो स्मॉल ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो इस ब्लैक कलर की फिल्म के ऊपर प्रिंट होता है जिसको हम डिस्प्ले करते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो इसका जो वर्किंग है वो बिल्कुल प्रोजेक्टर ही की तरह है, जैसे प्रोजेक्टर में काम हुआ था एग्जैक्टली वैसे ही इसमें काम होता है। डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर एक मिरर जो कि प्रोजेक्टर में मौजूद था, कनकेव मिरर, वो इसमें इस्तेमाल नहीं होता और ये एक केज के अंदर इंक्लोज होता है। इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास ये एक लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स के अलावा ये जो दो कंडेंसर लेंस है, कंडेंसर लेंस का इस्तेमाल करने का मकसद क्या है कि लाइट को सही से इस फिल्म के ऊपर फोकस किया जाए। और उसके बाद जब हमने एक लाइट सोर्स को यूज कर लिया, उसमें से बीम ऑफ लाइट्स प्रोड्यूस हुई जो वो सारी इसमें से पास करने के बाद कंडेंस हुई और इस हिस्से में से गुजरी। कंडेंस करने का पर्पस ये होता है कि एक एक हिस्सा इस फिल्म का अच्छे तरीके से इलस्ट्रेट हो जाए, रोशन हो जाए। जब वो अच्छे से इलस्ट्रेट हो जाएगा तो फिर आपको एक क्लियर इमेज देखने को मिलेगा स्क्रीन के ऊपर। इस पर्पस के लिए हमने कंडेंसर लेंसेज को यूज किया था। अब जब ये ऑब्जेक्ट इलस्ट्रेट हो चुका है, अब हमने इसका इमेज बनाना है, तो इमेज बनाने के लिए फिर से वही बातें जो हम बार बार रिपीट करते हैं कि एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चलेगी जो लेंस से गुजरने के बाद फोकल लेंस से पास करेगी, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, उसी पॉइंट से निकली और ऑप्टिकल सेंटर से पास की स्ट्रेट यहां चली गई। जो नीचे वाला पोर्शन है यहां से भी एक रे ऑफ लाइट जो है वो स्ट्रेट चलती है और इस फोकस से गुजरते हुए यहां पहुंचती है स्क्रीन के ऊपर, और फिर इसी पॉइंट से एक रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी जो कि स्ट्रेट पास करेगी, जहां पर ये दोनों मीट करेंगे वहां पर इमेज बनेगा इसका, एक लार्ज इमेज यहां पर आपको दिखाई देगा। अब इसके लिए आपने जो चीज समझनी है वो क्या है कि इमेज प्रोड्यूस करने के लिए लार्ज हमें ऑब्जेक्ट को यानी इस फिल्म को कहां पर रखना है कि इसका हमें लार्ज इमेज मिले और इन्वर्टेड इमेज मिले। तो उसके लिए देखें हमारे पास जो इसका जहां पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है वो होना चाहिए एफ और 2F के दरमियान, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस चीज को कि जब हम एफ और 2F के दरमियान ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो उसका रियल इमेज मिलेगा, इन्वर्टेड इमेज मिलेगा और साइज में ग्रेटर होगा। इसलिए इस फिल्म को हमने
इस लेंथ की F और 2F के दरमियान में रखा, F इसकी फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ से ज्यादा डिस्टेंस पर और डबल ऑफ द फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पर। जब आप इस दौरान डिस्टेंस को इस पॉइंट के ऊपर इसको ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो आपको इसका साइज जो है वो ग्रेटर मिलेगा। तो ये हमारे पास एक मेन पॉइंट था जिसको डिस्कस करना था। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सेम टू सेम वैसे ही प्रोजेक्टर की तरह ही काम हो रहा है, रेज ऑफ लाइट को कंडेंसर जो है वो कंडेंस करता है, कंडेंस करने के बाद इसको यहाँ फिल्म से पास कर दिया जाता है। जब फिल्म से पास करते हैं तो फिल्म से पास करने के बाद इसका ऑब्जेक्ट, इसका जो इमेज है वो स्क्रीन पे हम हासिल करते हैं। और एक बात हमने इसके लिए याद रखनी है, वो क्या कि हमने इस फिल्म को एफ और टू एफ के दरमियान में रखना है ताकि हमें इसका क्लियर इमेज मिल सके।